वंस अगेन टू माई चैनल चला सारथी और मैं हूँ आपका होस्ट आनंद। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आफ्टर 10 डेज वी विल मीट विद अ बैंग और मैं आई एम हेयर। तो आज मैं सोच रहा था क्या आपके लिए स्पेशल सा डिश बनाऊँ। बचपन में हम लोग जनरली खाते थे लॉलीपॉप, बड़े होने पर भी लॉलीपॉप खाते हैं और बदल गई है चीज़ें, और बदली है जो चीज़ उसका नाम है चिकन। सो आज मैं आपके लिए लाया हूँ स्पेशल वाला मेरे स्टाइल का चिकन लॉलीपॉप। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपको बना रहा हूँ लॉलीपॉप, तो लॉलीपॉप के लिए बेसिक मेन इंग्रेडिएंट्स है चिकन। चिकन जिसको मैंने लॉलीपॉप शेप में काट लिया और एक चिकन को मैं रखा हूँ, आपको मैं बताऊँगा कि कैसे करना है। बाकी इंग्रेडिएंट्स में आप देख सकते हैं मेरे पास है लहसुन, ये हमारा चिकन। अब तो आइए अब देखते हैं कि इसको हम लोग करते हैं कैसे। ये देखिए बेसिकली ये चिकन का अपर पार्ट होता है जो कंधे से जुड़े रहता है, ये है। इसके नीचे विंग्स का विंगलेट पार्ट होता है, तो ये पोर्शन को हम लोग लेंगे। इसमें एक्चुअली मांस भी ज़्यादा होता है। सबसे पहले हम लोग इस तरह लेके हल्का इसको एक इधर से कट कर देंगे, दूसरा एक इधर से लेके। मैं आपको सबसे ईजिएस्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, आप ये करेंगे एंड यू फाइंड आउट कि दिस इज़ द ईजिएस्ट प्रोसेस। उसके बाद हम इसको चिकन के नाइफ के ब्लेड के एंड से इसे थोड़ा नीचे खींच लेंगे एंड दिस इज़ डन। बस कुछ नहीं करना है, इसको लेके हमने को बस ऐसे करके ऐसे करना है। ये मैंने एक स्कूप अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, डार्क सोया सॉस लूँगा, ये करीब आधा स्पून के आसपास है। सिरका जो है ये भी आधा स्पून के आसपास है। सॉल्ट टेस्ट के अनुसार लेंगे, मैंने करीब हाफ स्पून लिया, हाफ टेबल स्पून लिया है। और ये मैंने जीरा का और साथ में काली मिर्च का ब्लैक पेपर को कुटा हुआ डाला। अब इसको हम लोग मैरिनेट करेंगे और छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इसमें थोड़ा सा हम लोग कश्मीरी मिर्च डालेंगे। अब जैसे कि ये 20 मिनट हो गया है, अब हम लोग इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ये करीब मैंने 1.5 स्पून लिया है। और सेम क्वांटिटी में मैंने मैदा लिया है। अब ये दोनों को मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे एक अंडा, और इधर मैं अब गैस को आप देख सकते हैं, जैसे मैंने वॉक को गर्म कर लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया और इसे मीडियम हीट पे रखेंगे, ज़्यादा हीट नहीं करेंगे। इसको शुरू में हम लोग टच नहीं करेंगे, पहले एक दो मिनट, ताकि वो नीचे से पक जाए, नहीं तो वो इसका शेप डी शेप हो जाएगा। इस तरह मैंने दोनों बैच को लास्ट में एक बार हल्का सा रीफ्राई कर दिया। इसे निकाल लेते हैं। आप इसको चाहें तो आप वैसे भी स्नैक्स में आप खा सकते हैं, इट्स वेरी गुड इन टेस्ट। तो अब आगे बचा हुआ लॉलीपॉप को प्रोसेस करते हैं। अब ये बचे हुए तेल में बाकी का प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले मैं डालूँगा जो हमारी सूखी हुई कश्मीरी मिर्च है और एक तीखा वाला मिर्च है, इसे डालेंगे। अदरक लहसुन बिल्कुल बारीक कटा हुआ, चाइनीज़ फूड में हमेशा ये याद रखिए इनका टेस्ट ज़्यादा। करीब आधा मिनट हो गया, अब इसमें हम डालेंगे प्याज। ये मैंने जो हाफ, इस समय फ्लेम आपको बहुत तेज़ रहना चाहिए, जितना आप तेज़ कर सकते हैं। 1/4 ऑफ सोया सॉस, वेनेगर करीब आधा चम्मच, शेजवान सॉस करीब हाफ टी स्पून, टमाटो केचप करीब जितना शेजवान हाफ टी स्पून। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट, सॉल्ट बिल्कुल थोड़ा सा है, क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है, इसलिए सॉल्ट देते में आप ध्यान रखिएगा। शुगर थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा नाम का चीनी, ताकि बैलेंस रहे। और साथ में लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर विथ पानी, इसमें एडेड है। ये बिल्कुल सही है। अब हम डालते हैं अपने जितने भी लॉलीपॉप हैं।
वॉक से ऐसे करके ऐसे करेंगे, ये सही। चलिए अब चलते हैं प्लेटिंग की ओर। सो गाइस, ये फाइनली प्लेटिंग हो गया है, और जो मैं हमेशा कहता हूँ बेस्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो इज की दीदी आपकी लॉलीपॉप, अब बड़े वाली चिकन लॉलीपॉप है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए स्पेशल। अब देख सकते हैं बिल्कुल टेंडर है, जूसी है, नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन। गाइस आप इसे प्लीज़ बनाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी फूड लवर्स जरूर ये चैनल, उनको सब्सक्राइब करने बोलिए, उन्हें दीजिए। हैव अ नाइस डे, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।